अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अब्दुल्ला लेके जा रहे हैं बकरे को नीचे घुमाने के लिए, और शाम के बज रहे हैं 4। और नीचे वो हरा चारा भी लेकर आए थे, तो कहने गए मैं जो हूँ हरा चारा भी खिला दूँगा, घुमा भी लूँगा। और ये हमारे नीचे जीने में आए थे 3 बकरे, तो ये देखिए ये उनकी वीडियो डाली है। और उसके बाद जो है ये हमारा यूम जो है वो नीचे जाने लगा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूम नबी खाना खा रहे हैं शाम का, और यहाँ पर हमारी काओ भी खाना खा रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे दोस्तों की काओ आई हुई हैं। प्लाजा में काओ आई है, कि हमारे प्लाजा का सबसे बड़ा जानवर है। और यहाँ पे स्वीपर जो है वो सफाई भी कर रहा था। सफाई दिन में 2 दफ़ा होती है, एक तो सुबह होती है और एक शाम में होती है। तो इस शाम की सफाई कर रहे थे, सारा नीट एंड क्लीन करके चले जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा गंदगी हो जाती है और सारा वो बेचारे साफ करके थक जाते हैं। सुबह तो सीढ़ियाँ वगैरह सब साफ़ होती हैं, लेकिन अभी जो है वो शाम में जो है सिर्फ पीछे का हिस्सा साफ होता है। फिर इन दोनों बकरों की फाइटिंग हो गई है, कंट्रोल नहीं हो रहे। फिर स्टार्ट हो गई। अभी ये क्या ही बनाएं? फिर शुरू हो गए, इसको रोकते हैं। अभी मैंने इनको पकड़ लिया, यहाँ पर इन दोनों की शुरू हो गई अब। अभी रुक गए लोग, ये देखें ये यहाँ पर ये दोनों फुल गुस्से में लड़ने, ये मूड है फुल दोनों। ये देखें अभी रुक गए लोग, यहाँ पर इनकी रस्सी छोटी कर दी है, इन दोनों की शुरू हो गई है। आज यहाँ पर ये सारे बकरे लड़ रहे हैं, ये इन दोनों की फिर शुरू हो गई। गाइस, यहाँ पे बच्चे जो है ना वो काओ को घुमा रहे हैं, कोई बकरों को घुमा रहा है, खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं। इनके स्कूलों की हुई हैं छुट्टियाँ, और सुबह से ये लोग नीचे उतर जाते हैं। सुबह 8-9 बजे से जो शोर होना स्टार्ट होता है वो रात के 2-3 बजे तक शोर होता ही रहता है हमारे यहाँ, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ मेरा छोटा भाई जो था वो बना रहा था काओ का खाना, तो सबसे पहले इसने भूसा डाला, उसके बाद जो है पानी में भीगी हुई खल थी ये डाली और मिक्स करने लगा, और फिर उसके बाद ये और भी चीज़ें ऐड करेगा। तो गाइस, यहाँ पे यूम इतना परेशान कर रहा था हमें, कभी कहाँ भाग रहा था कभी कहाँ, और यहाँ पे जो काओ है इतनी बेचैन हो रही थी कि हम मुझे खाना मिल जाए, क्योंकि एक को दे दिया था दूसरे को रह गया था, तो दूसरा वेट कर रहा था कि कब मुझे खाना मिलेगा। उसके बाद जो है इसने जो है इसमें भूसी और छिक्कल और अट्टी वट्टी कुछ ऐड करी, इसने ये सब कुछ ऐड करके इसने मिक्स करा, उस मिक्स करने के बाद जो है इसने गाय को खाना दिया। और यहाँ पर आ जाएगा, फिर यूम आ जाएंगे यहाँ पे, फिर ये जो है ट्राई करता है कि मैं ये खा लूँ या वो खा लूँ।
बट ज़्यादा खाने से बीमार जानवर पड़ जाता है, कम खाने से जानवर कभी बीमार नहीं पड़ता। तो मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि ज़्यादा मत खा, ओवर ईटिंग मत कराया करो जानवर को, क्योंकि मोशन हो जाते हैं। तो वो मुझे मना करके जाते हैं कि ज़्यादा खाना यूम को बिल्कुल मत देना, लिमिटेड देना। तो हम इसको थोड़ा लिमिटेड खाना देते हैं। तो ये दे दिया इसको, उनको खाना दिया काओ को, ये देखें आप कितना सर हिला हिला के ये देखें। उसके बाद जो है काओ ने खाना खाया और यूम जो है फिर भाग गए, फिर इनको जो है अब्दुल्ला पकड़ के लेकर आए। तो जनाब ये सब बड़ा मज़ा आता है बकरीद की, ये रौनकें हैं, बच्चियाँ बच्चे सब जो हैं अपनी काओ को घुमाते हैं। ये बच्ची जो है ये बड़ी एक्साइटेड हो रही है, मुझे भी वीडियो में नहीं, मुझे भी वीडियो में नहीं, तो मैंने इस बच्ची को भी वीडियो में कैप्चर किया है। और ये मुझे प्यार किया गाइस, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की काओ भी बंधी हुई है, ये देखिए। माशाल्लाह प्यारी, माशाल्लाह। ये दोनों साथ आए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेरे प्लाज़ा का वीडियो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। तो फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।